दक्षिणी दिल्ली में आए दिन मोबाइल की लूट की वारदातों ने पुलिस की नींद उड़ा रखी थी, तो दूसरी ओर पुलिस से बेखौफ दो लुटेरे खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे थे। क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए दक्षिणी दिल्ली की स्पेशल स्टाफ को काम सौंपा गया। टीम ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सर्विलांस और तकनीकी टेक्नोलॉजी के साथ मुखबिरों की मदद ली गई और एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही गिरफ्तार दोनों आरोपियों के कब्जे से 8 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजय उर्फ संजू और आकाश के रूप में की गई है। संजय उर्फ संजू दिल्ली के संगम विहार क्षेत्र के अस्त मंदिर रोड का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा आरोपी आकाश जोनापुर गांव के बापू कैंप का रहने वाला बताया जा रहा है। साउथ दिल्ली के डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसीपी विजेंद्र सिंह बिधूड़ी ने स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर अतुल त्यागी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। गठित टीम को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सर्वप्रिय डीडीए पार्क पंचशील फ्लाईओवर मालवीय नगर के पास दो मोबाइल फोन स्नैचर आने वाले हैं और वो छीने गए मोबाइल फोनों को बेचेंगे। स्पेशल स्टाफ के एसीपी विजेंद्र बिधूड़ी ने बिना देर किए अपनी देखरेख में इंस्पेक्टर अतुल त्यागी की अध्यक्षता में एएसआई अनिल कुमार, कांस्टेबल संदीप कुमार, कांस्टेबल अनूप, कांस्टेबल संदीप और कांस्टेबल सोमदत्त को शामिल कर एक टीम का गठन किया। गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर अतुल त्यागी की टीम ने बताए गए स्थान पर अपना जाल बिछा दिया और मौके का इंतजार करने लगे, लेकिन दोनों शातिर अपराधियों को पुलिस की भनक लग गई और वो पुलिस से भागने की कोशिश करने लगे, किंतु भाग न सके और दोनों लुटेरों को घेर कर मौके पर ही धर दबोच लिया। पुलिस को इनकी पहचान आरोपी संजय उर्फ संजू पुत्र धर्मवीर उम्र 22 साल निवासी एच नंबर 1100/4 एल फर्स्ट ब्लॉक अस्त मंदिर रोड संगम विहार नई दिल्ली तथा दूसरा आरोपी आकाश पुत्र स्वर्गीय सुरेश निवासी उम्र 22 साल एच नंबर 293 गली नंबर 3 बापू कैंप गांव जौनापुर नई दिल्ली के रूप में हुई है। स्पेशल स्टाफ की टीम ने जब दोनों अपराधियों से सख्ती से पूछताछ की तो पुलिस भी सुनकर शर्म रह गई। दोनों आरोपियों ने खुलासा किया है कि उन दोनों ने दक्षिणी दिल्ली में कई वारदातों को अंजाम दिया है और दोनों पर दिल्ली के थानों में अनेकों मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल स्पेशल स्टाफ की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।